भागलपुर के आदमपुर थाना क्षेत्र के मनाली चौक के समीप बुधवार की दोपहर एक बुजुर्ग से खुद को दरोगा बताकर 10,000 रुपए छीन लिए गए। अपराधियों ने घटना को अंजाम फिल्मी अंदाज में दिया। पहले तो उन्होंने खुद को दरोगा बताया और फिर ट्रैफिक रूल का उल्लंघन करने के आरोप में 50,000 रुपए फाइन देने को कहा। बुजुर्ग के पास से 10,000 रुपए अपराधियों ने छीन लिए और कहा 40,000 और लाओ। उसके बाद बुजुर्ग ने ट्रैफिक पुलिस से शिकायत की। इसके बाद ट्रैफिक पुलिस ने बुजुर्ग को जोकसर थाना भेज दिया। पीड़ित भैरव पासवान पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में रसोई का काम करता था। 4 साल पहले रिटायर हो गया। पेंशन का पैसा निकालने के लिए भागलपुर पहुंचे थे। पीड़ित भैरव पासवान ने बताया कि कहलगांव अनुमंडल से भागलपुर SBI बैंक रुपए निकालने के लिए आए थे। बैंक से रुपए निकालकर घर की तरफ जा रहे थे, तभी मनाली चौक के समीप एक अज्ञात व्यक्ति ने उसे ट्रैफिक उल्लंघन के आरोप में 50,000 जुर्माना देने को कहा। 10,000 रुपए छीन लिए और कहा कि 40,000 और लाओ और लो। उसके बाद आरोपी फरार हो गए। इधर ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि एक बुजुर्ग से अज्ञात युवक ने 10,000 रुपए छीन लिए, उसको जोकसर थाना भेज दिया गया है। लिखित आवेदन देने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। आपके साथ 10,000 पैसा रोड पर होकनी 10,000 रुपया ले लो सर। ये लेते हैं अब तक हम दरोगा है। अच्छा, हाँ नाम नहीं बताया अपना? वो अपन नाम ना बता के, हाँ कल खाली हम दरोगा है। हाँ तो चल डीजी साहब से तलब कोई से कहिए ना। हाँ क्या क्या लिया आपका? वो 10,000 रुपया ले लो। चेक किया था? चेक आधार कार्ड चेक कर ला सर। क्या बोल के चेक किया? ये आधार कार्ड लिया। हाँ तो सब हमारा झोला चेक कर ला। इशाकचक थाना क्षेत्र के श्यामादास लेन निवासी 25 वर्षीय कृष्णा कुमार की शराब पीने के बाद संदिग्ध मौत हो गई। मृतक के भाई सुभाष शर्मा ने बताया कि अपने दोस्त के साथ किसी पार्टी में गोड्डा गया हुआ था। वहां पर दोनों ने शराब पार्टी की। उसके बाद मेले में दोनों ने झूला झूले। फिर कृष्णा की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद मंगलवार देर रात कृष्ण के दोस्त ने भागलपुर उनके घर पर पहुंचा दिया। परिजनों को दोस्त ने बताया कि दोनों ने शराब पी थी, जिसके बाद अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। मृतक कृष्णा कुमार के भाई सुभाष शर्मा ने दोस्त पर आरोप लगाते हुए कहा कि दोनों टोटो चलाते थे। किसी बात को लेकर कुछ दिन पहले विवाद हुआ था। फिर दोनों एक पार्टी में झारखंड गए थे। वहां पर उन्होंने शराब का सेवन किया। शराब में ही कीटनाशक दवा मिलाकर पिलाई गई है। उसके बाद तबीयत उनकी खराब हो गई, जिसके बाद वापस घर लौटने पर उसे इलाज के लिए मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर बुधवार को डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इशाकचक थाना प्रभारी अशोक कुमार ने बताया कि झारखंड में दोनों ने शराब पी थी, जिससे उनकी मौत हो गई। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। कल जब हम लोग तो मंगलवार को 10 बजे दिन में नहीं लेके 10 बजे रात में पहुँचाया, तो हाथ गोड़ तो ठंडा था, तो हमको लगा कि पहले इसका उपचार होना चाहिए। तो हम लोग मायागंज लेके आए, तो मायागंज जब लेके आए तो डॉक्टर तुरंत बोल दिया तो डेड कर गया। ECG भी क्या तो बोला क्लियर था, तो उसका इसी अनुमान से लगता है इसका सर वहीं मार दिया है रास्ते में। कहीं जहरीला पदार्थ ही देखे सर मारा गया इसको। कुछ सर नशीली पदार्थ खिला के या दारू में कुछ जहर मिला के या कोई टैबलेट मिला के सुई देके कैसे सर मारा है? हाँ वो बोला कि दारू पिलाए थे, वो भी लड़का पिया था ना, कि ये मेरा भाई का मुँह नहीं महक रहा था, ड्राइवर का मुँह महक रहा था। भागलपुर जिले के सनहोला प्रखंड प्रमुख अनिल पासवान का मंच पर बार बालाओं के साथ डांस करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यह चर्चा का विषय बना हुआ है। बताया जा रहा है कि यह वीडियो छठ पूजा के दौरान क्षेत्र के धुआवे गांव में आयोजित रात्रि जागरण व ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम का है, जहां सनहोला प्रखंड प्रमुख अनिल पासवान मंच पर डांस कर रहे थे और ठुमका लगाते दिख रहे हैं। वीडियो में प्रमुख कई तरह के स्टेप से भोजपुरी गाने पर डांस करते दिख रहे हैं। हालांकि इस वीडियो क्लिप की प्रभात खबर पुष्टि नहीं करता है। यह वीडियो क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस संबंध में प्रखंड प्रमुख अनिल पासवान ने बताया कि धुआवे गांव में जागरण ऑर्केस्ट्रा का कार्यक्रम था, लोग मनोरंजन कर रहे थे, हम भी मनोरंजन कर रहे थे। हम अभी बुजुर्ग नहीं है, ना है यंग है, नाच गाना हो रहा था तो थोड़ा नाच ही गए तो क्या दिक्कत हो गई। MP MLA भी नाचते हैं, उससे क्या दिक्कत हो गई।
भागलपुर में ठंड ने दी दस्तक, तो भागलपुर में अनोखे विदेशी पक्षियों का आने का सिलसिला हुआ शुरू। शहर के बाईपास में जहां अमेरिका और अलास्का का ब्लू थ्रोट पक्षी दिखा, तो वहीं जगतपुर झील भी विदेशी मेहमानों से गुलजार हो गया है। जगतपुर झील में यूरोपियन देश रूस, मंगोलिया, अलास्का, रोमानिया से कई प्रवासी पक्षी, मसलन यूरेशियन क्रूट, ब्रोशराइक, सेंट पाइपर, पर्पल हेरॉन, येलो फुटेड ग्रीन, पीजन समेत कई प्रजातियां ठंड की तलाश में 2 से 3 हजार किलोमीटर दूरी तय कर भागलपुर पहुंचे हैं। जगतपुर झील में इन प्रवासी पक्षियों के लिए अनुकूल वातावरण मिलता है, जिससे यह पक्षी यहां पर पहुंचते हैं और 4 महीने तक झील के शीतल जल में क्रीड़ा करते हैं, तो कभी पंख पसार के झील के ऊपर विचरण करने लगते हैं। भागलपुर के पक्षी संरक्षक व पक्षी विशेषज्ञ विदेशी मेहमानों की अटखेलियां देखने व प्रजातियों की गणना करने पहुंचते हैं, कैमरे में पक्षियों को कैद करते हैं। आसपास लोग भी पक्षियों को देखने झील पहुंचते हैं। वहीं हम ब्लू थ्रोट पक्षी की बात करें तो यह बाईपास के समीप दिखा है। यह दुर्लभ पक्षी अमेरिका और अलास्का में पाया जाता है। ठंड में वो भागलपुर पहुंचते हैं और यहां पर विचरण करते हैं। ये भागलपुर जो है प्रकृति के संरक्षण क्षेत्र में बहुत अच्छा प्लेस है। कई सारे माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ हर साल आते हैं, अभी थोड़ा सा कम आए हुए हैं। ये जगतपुर जगह है और ब्लू थ्रोट पक्षी जो हर साल यहाँ पर आते हैं, इस साल भी आए हैं। ये अलास्का से आते हैं, काफ़ी खूबसूरत पक्षी है। और माइग्रेटरी बर्ड्स जो है, ये भागलपुर जो है वो बहुत ही अच्छा प्लेस है संरक्षण के क्षेत्र में। आप लोग आगे बढ़िए। वातावरण मिलता है पक्षी, वातावरण यहाँ बहुत ही अनुकूल है, लेकिन थोड़ा सा समस्या यहाँ ये है कि इस तरह से विकास यहाँ पे हो रहा है, देखिए अगर रोड वगैरह बन रहा है तो इससे कि शोर वगैरह होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है, तो पक्षियों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, जिसका रिजल्ट अभी दिख रहा है। अभी माइग्रेटरी बर्ड्स आ जाना चाहिए था काफ़ी संख्या में, लेकिन वही 5-6 की संख्या में भी दिख रहे हैं। तो ये कहे इसे पर्यटन के रूप में विकसित किया जाना, पर्यटन के रूप में ये 100% इसे विकसित किया जाना चाहिए था। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, ये बहुत ही अच्छा प्लेस है भागलपुर। पर्यटन के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा प्लेस है। हम लोग जगतपुर में अभी हैं और जगतपुर जो है ना, यहाँ पे एक से एक सुंदर से सुंदर पक्षी यहाँ पे आता है। हर 4 महीने यहाँ पे पक्षी का एक तरह से मेला लग जाता है और इतने सुंदर सुंदर पक्षी यहाँ पे हैं कि यहाँ पे हम लोग चाहते हैं पूरे भारत से लोग आए और यहाँ पे पक्षी को देखे। यहाँ पे देखिए ना कितना सुंदर सुंदर वातावरण है और एकदम पर्यटन स्थल जबरदस्त पर्यटन स्थल। बिहार की ये धरती है भागलपुर जिला की, और भागलपुर जिला में यह है जगतपुर, और यहाँ हर साल एक से एक पक्षी आती है जो पूरे हिंदुस्तान में आपको कहीं देखने नहीं मिलेगा, ये जगतपुर की धरती पर आपको देखने मिलेगा। केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे के भागलपुर पहुंचते ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका जमकर स्वागत किया। उसके बाद अश्विनी चौबे ने प्रेस वार्ता करते हुए जमकर बिहार सरकार को निशाना साधते हुए खरी खोटी सुनाई। उन्होंने बिहार सरकार को गूंगी, बहरी और लंगड़ी सरकार कहा है। श्री चौबे ने कहा, एक तरफ जहाँ बिहार में जहरीली शराब पीने से सीतामढ़ी में कई लोगों की मौत हो गई, वहीं लखीसराय में खुलेआम अपराधियों ने कई लोगों को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। कुल मिलाकर उन्होंने बिहार सरकार को गूंगी, बहरी और लंगड़ी सरकार कहा है। उन्होंने कहा, नीतीश कुमार की टीम से अब बिहार नहीं संभल रहा है, उन्हें गद्दी छोड़ देनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी वाणी काफी अभद्र हो गई है, जिसके चलते जनता उन्हें इस आगामी 2024 के चुनाव में गद्दी से उखाड़ फेंकेगी। आपकी कलम, आप चौथे स्तंभ हो लोकतंत्र के। आपने बहुत कुछ लिख रहे हैं, कह रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन सरकार की आंख, कान, नाक वो पूरी तरह से न उनको बहरी है, लंगी है, लुल्ली है, लंगड़ी है, क्या कहा जाए, कौन सी भाषा का उनके बारे में इस्तेमाल किया जाए कि राज्य सरकार बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है, पैरालिसिस हो गया है बिहार सरकार को, पैरालिसिस के शिकार हो गए। उतना ही नहीं, 990 की उस भयावह स्थिति में बिहार फिर से पहुँच गया। ये दोनों जो कांग्रेस और राजद के गोद में बैठ करके ये पलटू कुमार जी बार बार पलट रहे हैं, और उधर सल्टू राम, उधर उल्टू राम, इधर पलटू राम, पलटू राम, उल्टू राम और सल्टू राम में बिहार फंस गया है। फेयर
एक्साइज डीलर एसोसिएशन भागलपुर जिला इकाई द्वारा आज अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर समीक्षात्मक बैठक की गई। इसमें जितने भी फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन के डीलर्स थे उन्होंने अपने मानदेय को लेकर काफी हल्ला बोल प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा अन्य राज्यों में जिन विक्रेताओं को मानदेय सुनिश्चित किया गया है लेकिन बिहार में ऐसा कुछ भी नहीं है, जिसके चलते हम लोग 1 दिसंबर से सरकार के उदासीन रवैये के कारण अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। ना अनाज लेंगे और ना ही ग्राहकों को अनाज देंगे। जब तक हम लोगों की मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक हम लोग अनवरत अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान सभी प्रखंडों के जन वितरण प्रणाली के डीलर मौजूद थे।